मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और राजनीतिक दल के नेताओं में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। एक दिन पहले मध्य प्रदेश चुनाव समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जन आशीर्वाद यात्रा का रोड मैप जारी किया था। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा को टुकड़े टुकड़े यात्रा करार दिया है। बता दें कि कमलनाथ के ट्वीट के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इटली की संस्कृति में पलने और बढ़ने वाले नेता आशीर्वाद का अर्थ क्या जानते हैं? लोकतंत्र में जनता ही भगवान है और आशीर्वाद का आकांक्षी वही होता है जो कर्तव्य का पालन करता है। हमारी सरकार ने विकास के जो काम किए हैं उस पर आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। कांग्रेस ने काम किया है तो निकल जाए। टुकड़े टुकड़े गैंग के जिस सदस्य कन्हैया कुमार को लेकर राहुल गांधी साथ में लेकर चले थे उनको यही सब दिखेगा। कमलनाथ जी यदि नैतिकता रखते हैं तो वह भी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जनता के बीच जाएं और बताएं कि 15 महीने की सरकार के दौरान आपने क्या किया था। दरअसल सीएम शिवराज 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले अकेले ही जन आशीर्वाद यात्रा के लिए निकल रहे थे, जिसका मौजूदा समय में सीएम शिवराज को विरोध भी झेलना पड़ा था। दरअसल घटना 3 सितंबर 2018 को मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सुरहट इलाके में हुई थी, जहां सीएम शिवराज के भाषण के दौरान युवक ने चप्पल और अन्य जगह पर पत्थर फेंक दिए थे, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधते हुए सीएम शिवराज करारा हमला बोला है।